आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजन ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन करिकुलम एंड डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय वेरियस रीजंस रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, एडवांसमेंट्स इन एजुकेशनल थ्योरी एंड द डिजायर टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत सारी वजूहत है जिनके बिना पर करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द मतलब सोसाइटी की बढ़ती हुई जो ज़रूरियात हैं और जो हमारी तालीमी नज़रिया है उसमें एडवांसमेंट की वजह से, उसमें तरक्की की वजह से, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में या दी दुनिया में उनको कामयाब बनाने के लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई। तो आइए हम रीज़न देखते हैं। फर्स्ट, करिकुलम नीड्स टू बी रेलिवेंट टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एज सोसाइटल नीड्स चेंज। करिकुलम मस्ट अडॉप्ट टू इंश्योर दैट स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज नीडेड फॉर सक्सेस इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। और करिकुलम की ज़रूरत है कि करिकुलम जो है ना स्टूडेंट्स की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, जो एस्पिरेशन है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि माशरे की जो ज़रूरियात है वो चेंज होती रहती हैं, तो करिकुलम को भी अडॉप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और यकीनी बनाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो इल्म है, जो तालीम है, जो ज़रूरी स्किल्स हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो उन्होंने सीख ली हैं, जो उनको उनकी ज़ाती या पेशा वराना लाइफ में कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी महारतें थी, ठीक है, जो ज़रूरी थी, ज़रूरी स्किल्स थी। नेक्स्ट, करिकुलम डिवेलपमेंट सीक्स टू प्रमोट एजुकेशनल इक्विटी बाय इंश्योरिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंसिस। दिस इंक्लूड्स एड्रेसिंग डिस्पेरिटीज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, रेस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। सेकेंड नंबर बताया कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो तलाश करता है कि वो जो तालीमी इक्विटी है, बराबरी या मसावात है, उसको बढ़ाए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस तक रसाई हासिल कर ली है या कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि बात ही करता है जो इम्तियाजात होते हैं, मतलब इम्तियाज तो फ़र्क जो होते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, या इलाकाई जो लोकेशन होती हैं इलाकों के लिहाज से, उन सब को शामिल करता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को मौके प्रोवाइड करता है कि मुकम्मल सलाहियत हासिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट एम्स टू फोर्स द डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलाब्रेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड कल्चरल कॉम्पिटेंसी। दी स्किल्स आर एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर सक्सेस इन द ग्लोबल कम्युनिटी। अब जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसका जो मकसद है वो है स्टूडेंट्स के दरमियान जो 21st सेंचुरी की जो महारतें हैं, मतलब तख्लीकी सोच और मसाइल को हल करने की जो सोच है और जो पैदावारियत है और कम्युनिकेशन मतलब बोलने की जो सलाहियत है, जो तआवुन की जो सलाहियत है, और डिजिटल लिटरेसी मीन्स के जो डिजिटल टूल्स हैं उनके बारे में जो आवना है, ठीक है, और जो सकाफत की कॉम्पिटेंसी है, ये सारी स्किल्स पैदा करना करिकुलम डिवेलपमेंट का जो मकसद है वो इन सब स्किल्स को फ़रोग देना है, ठीक है। ये जो स्किल्स हैं ये स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर करती हैं या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, उनमें कामयाब होने के लिए। नेक्स्ट, करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, हिस्टोरीज एंड एक्सपीरियंसिस। दिस प्रमोट्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम डिवेलप इनटू एम्पैथेटिक ग्लोबल सिटीजंस। करिकुलम जो है वो किसी माशरे की का जो कल्चर है, जो कल्चर उसकी डाइवर्सिटी है, उसका आइनादार होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो मुख्तलिफ पहलू होने चाहिए सकाफत के, वो भी शामिल होने चाहिए। इसमें हिस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, और तजर्बात होने चाहिए, मतलब जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं उनको शामिल होना चाहिए निसाब में, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो सकाफत की जो कि दूसरे कल्चर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी, ठीक है, और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान भी रिस्पेक्ट पैदा होगी एक दूसरे की, और ये चीज़ हेल्प करेगी एक अच्छा शहरी बनने में। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एम्ड एट कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये इसका अमल जो है हमेशा जारी रहता है, मीन्स कि इसमें फीडबैक आते हैं, फिर इसमें चेंजिंग होती हैं, ठीक है, जो इसका मकसद है, इसका मकसद है मुसलसल जो तालीम की क्वालिटी है, मियार है, उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना, और इसमें स्टेक होल्डर्स की तरफ से फीडबैक शामिल है और स्टूडेंट्स की जो नतज हैं उनकी मोनिटरिंग शामिल है, और बेहतर जो मशकें हैं करिकुलम रिवीजन को बेहतर बनाने के लिए और उसको अपडेट के लिए, करिकुलम की अपडेट्स के लिए। अब नेक्स्ट है, करिकुलम नीड्स टू अडॉप्ट द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज
integrating digital tools, online resources and emerging technologies into teaching and learning. This ensures that students are equipped with the digital literacy skills needed to thrive in the digital age. अब सिक्स नंबर बताया गया कि जो करिकुलम है उसको ज़रूरत होती है या ज़रूरी है कि वो जो बदलते हुए टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, जो चेंजेस जितनी भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं उनको अडॉप्ट करें, ठीक है, और जितने डिजिटल टूल्स हैं, आलात हैं, उनको भी मिलाए, उनका उनको इस्तेमाल मिलाए, और जितने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जितने ऑनलाइन ज़राए हैं, ठीक है, और जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको टीचिंग और लर्निंग में यूज़ करें, ठीक है। और ये इस बात को यकीनी दिलाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल जो टूल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी जो महारतें हैं उनके दरमियान पैदा हो चुकी हैं, उनसे मालामाल हो चुकी, मतलब ऐसी महारतें जो उनको डिजिटल इस दौर में आगे बढ़ने में और उनको उनकी तरक्की में तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, वो सब उनमें पैदा हो चुकी है। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय ग्लोबलाइजेशन एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू एंगेज विद डाइवर्स ग्लोबल इशूज। दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। सेवन नंबर बताया कि जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है जो ग्लोबलाइजेशन के जितने भी मुश्किल चैलेंजेस होती हैं, ठीक है, उन सबको रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट किए जाते हैं चैलेंजेस, एंड और ये स्टूडेंट्स को तैयार करता है जो मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज होते हैं, मसाइल्स होते हैं, उनमें इंगेज होने के लिए। और इसमें शामिल है कि मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ठीक है, और जो ग्लोबल सिटीजनशिप है, ठीक है, एक ग्लोबल शहरी बनाना। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट अलाइन विद ब्रॉडर एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सच एज प्रमोटिंग एकेडमिक अचीवमेंट। करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव दीज गोल्स एंड बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स प्रिपेयर टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। जो करिकुलम डिवेलपमेंट है ये बहुत से तालीमी जो मकासद हैं, ठीक है, उनका हामिल होता है, बहुत सारे मकासद रखता है, मीन्स कि जैसे कि स्टूडेंट्स की जो अकेडमिक कारकर्दगी को बढ़ाता है, और करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है या फिर बनाया जाता है स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, उनको ये जो तालीमी मकासद हैं ये हासिल करने में, ठीक है, और स्टूडेंट को एक अच्छा इंफरादी बनाती हैं और उसे सोसाइटी में मस्बत किरदार अदा करने में भी उसकी हेल्प करती हैं, उसके लिए तैयार करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट, मीन्स कि उसका पूरा जो अमल है, कैसे करिकुलम तैयार होता है। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। दिस प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड सेवरल स्टेजेस ईच विद स्पेसिफिक टास्क एंड कंसिडरेशंस, व्हाइल द एग्जैक्ट स्टेप्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा पेचीदा है और ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मीन्स के जारी रहता है, जिसमें किसी एजुकेशनल या तालीमी प्रोग्राम का डिज़ाइन, उसका प्लान, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसको लागू कर देना, और ये जो प्रोसेस है इसमें कई स्टेजेस शामिल होते हैं, ठीक है, और हर जो स्टेज होता है उसके मखसूस टास्क होते हैं, ठीक है, और ये स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तालीमी तनाजुर के लिहाज से। तो आज हम कुछ स्टेप इसके डिस्कस करते हैं प्रोसेस। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पर्पस एंड गोल्स ऑफ द करिकुलम, कंडक्ट अ नीड्स असेसमेंट टू डिटरमाइन द नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर, कंसीडर इनपुट फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स। अब जो पहला स्टेप है इसमें बताएगी कि पहले हमने मकसद को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसकी शनाख्त करनी है, जो करिकुलम का गोल है, मकसद है, मीन्स कि हमने एक असेसमेंट जो है ना जायज़ा वो कंडक्ट करना है, कि हमने ये डिटरमाइन करने के लिए कि स्टूडेंट ने क्या इसमें हासिल करना है, ठीक है, किस तरह का नॉलेज, स्किल्स, ठीक है, और एटीट्यूड्स, रवैये वगैरह, ठीक है, हमने उनके लिए असेसमेंट कंडक्ट कर लेनी है। फिर हमने जो इनपुट लेना है, जो हमें इनपुट देंगे स्टेक होल्डर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे, ठीक है, उन सबको कंसीडर करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करते हुए पर्पस। Define clear and measurable educational goals. Specify what students should know and be able to do upon completing the curriculum. अब सेकेंड जो हमारा प्रोसेस में स्टेप है वो ये है कि हमने मकसद का तयन कर लेना है, वाजिया मकासद और जो काबिल फहमाश मकासद हों, ठीक है, उनका तयन कर लेना है कि स्टूडेंट्स क्या जान सकेंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस निसाब को मुकम्मल करने के बाद, और क्या करने के काबिल हो सकेंगे। इस तरह जैसे कि अक्सर सब्जेक्ट हम लेते हैं कोई बुक वगैरह, उसके स्टार्ट में भी जैसे कि चैप्टर के लिखे होते हैं, इस तरह
उन्हें मुकासी तय कर लेनी है. थर्ड है चूज़ रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल कंटेंट दैट सपोर्ट्स द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. कंसीडर द सीक्वेंस एंड स्कोप ऑफ द कंटेंट टू इंश्योर लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग. अब थर्ड नंबर पर बताया गया कि आपने मवाद बामानी सेलेक्ट करना है जो कि उन मकासी जिन्होंने एजुकेशनल मकासी तय कर लिए हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उन पर पूरा उतरे. और इसमें सीक्वेंस होनी चाहिए और इसका ऐसा कंटेंट इसमें शामिल करना है जिसका स्कोप, जिसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा, ठीक है. नेक्स्ट डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड स्ट्रेटजीज दैट विल बी यूज्ड टू डिलीवर द कंटेंट. कंसीडर अ वैरायटी ऑफ टीचिंग अप्रोचेज सच एज लेक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. फोर नंबर बताया गया कि आपने अपना एक तीसरी तरीका, ठीक है, पढ़ाने का एक तरीका वो सिलेक्ट करना है, स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है जिसके थ्रू आपने लेक्चर को या फिर उस मवाद को स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिलीवर करना है, उन तक पहुंचाना है, ठीक है. कई तरह की टीचिंग अप्रोच यूज़ होती हैं आपने जो आप मुनासिब लगे, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, हिस्टिक मेथड हो गया, इस तरह के आपने कोई भी एक डिसाइड कर लेना है, ठीक है. नेक्स्ट डिवेल्प असेसमेंट टूल्स इंक्लूडिंग क्विजेज एग्जाम्स एंड अदर इवेलुएशन मेथड्स अलाइन असेसमेंट विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग इफेक्टिविटी. कंसीडर बोथ टाइप्स ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट फॉर ओवरऑल इवेलुएशन. अब फाइव नंबर बताया कि आपने एक जांच का जायजे का, ठीक है, एक टूल डिवेल्प करना है, एक नहीं मीन्स के जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं आपने वो डिवेल्प करना है, जैसे क्विजेज हो गए, एग्जाम्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इस तरह एवेल्युएशन के, टेस्ट वगैरह, ठीक है, जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लगे आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए इफेक्टिव हो, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफेक्टिव तरीके से मेजर करे, ठीक है. इसमें दोनों तरह की जो असेसमेंट है वो यूज़ हो सकती हैं, फॉर्मेटिव भी सुमेटिव भी, मीन्स कि आप प्रोसेस के दौरान भी कर सकते हैं, इसकी जायज़ा ले सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ लिया है, कितने तालीमी मकासद किस तक हासिल हो गए हैं, और या फिर आप प्रोसेस के लास्ट में भी असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेसेसरी मटीरियल्स टेक्स्ट बुक्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग. अब सिक्स नंबर बताया कि आपने आइडेंटिफाई करना है जो ज़रूरी मवाद है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो ज़रूरी बुक्स हैं, जो रिसोर्स नजराएँ हैं, और जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए ज़रूरी है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है. इंश्योर दैट मटीरियल आर अप टू डेट, कल्चरली रेलिवेंट एंड एक्सेसिबल. अब आपने यकीनी बनाना है कि जो मटीरियल है, जो कंटेंट है, ठीक है, वो अप टू डेट है, ठीक है, उसमें जितनी भी चेंजिंग आई हैं वो सारी ऐड हैं और कल्चर से भी रेलिवेंट मुताबकत रखता है और ईजीली एक्सेसिबल है, तमाम स्टूडेंट्स उसको तक ईजीली रसाई हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट रोल आउट द करिकुलम इन द एजुकेशनल सेटिंग, प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फीडबैक. अब सेवन नंबर बताया कि आपने इंप्लीमेंट करना है उस करिकुलम को, ठीक है, आपने तैयार तो कर लिया है, अब उसको इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है, और टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको सपोर्ट करना है, मुझसे तरह से इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए आपने सपोर्ट भी करना है टीचर को, ठीक है, और आपने मॉनिटर करना है और जो तालीमी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको एडजस्ट करना है फीडबैक की बेस पर, ठीक है, आपने जैसे कि दूसरों से फीडबैक रिसीव करना है फिर उसकी बेस पर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ की मुताबिकत करनी है, ठीक है, उनको उनके मुताबिक करना है. नेक्स्ट ईयर रेगुलरली रिव्यू द करिकुलम टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस एंड रेलिवेंस, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, रिवाइज द करिकुलम एज़ नीडेड टू एड्रेस चैलेंजेस. अब एक नंबर बताया कि आपने डेली बुनियादों पर जो है ना करिकुलम जो है निसाब है जो इसकी आपने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, इसके मुताबिक आपने चेक करनी है, जो आपने फीडबैक रिसीव करना है टीचर्स से, स्टेक होल्डर्स से और स्टूडेंट से, तो आपने उनके अकॉर्डिंग जो ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं वो उसमें वो तब्दीलियाँ आपने उसमें ऐड कर देनी है, वो चीज़ें उसमें, ठीक है, और उन्हीं चैलेंजेस पर आपने बातचीत उसमें करनी है उसी निसाब में. नेक्स्ट है इनकरेज ऑनगोइंग फीडबैक फ्रॉम टीचर्स स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यूज फीडबैक टू मेक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू द करिकुलम. वही बात आ गई कि आपने जो मुसलसल फीडबैक रिसीव करेंगे उसको आपने इनकरेज करना है, ठीक है, टीचर से, स्टूडेंट से, जो भी आप फीडबैक रिसीव कर रहे हैं उसकी आपने इनकरेजमेंट करनी है, हौसला अफजाई करनी है, ठीक है, और आपने वही फीडबैक यूज़ करना है अपने निसाब को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, और मुसलसल बेहतर बनाने के लिए आपने फीडबैक को उसमें यूज़ करना है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम इंक्लूडिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेट द करिकुलम टू टीचर्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर. बेटे उन्होंने बताएंगे कि आपने जो करिकुलम के सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने लिख लेना है, जैसे कि उसके गोल्स हो गए, उसके मकासद, ठीक है, उसकी जायजे के लिए जितने टूल्स हो गए, जो असेसमेंट है और जो तालीमी तदरीसी तरीका जात हैं, ठीक है, वो सारे आपने लिख लेने हैं. और आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, लिखने के बाद, आपने वो करिकुलम दूसरे स्टेक होल्डर्स मीन्स के जो साथ में मिलकर काम करते हैं उन तक, टीचर्स,
और स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन तक पहुँचाना है, ठीक है। थ्रू आउट द करिकुलम डिवेलपमेंट प्रोसेस कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग एजुकेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स आर क्रूशियल। अब पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जब आप करिकुलम डिवेल्प करते हैं तो इस दौरान आपका जो मीन्स की कम्युनिकेशन है वो टीचर के साथ, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी के मेम्बर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है और बाहमी तावन भी बहुत ज़रूरी है। अपने इशूज़ एंड ट्रेंड्स इन करिकुलम डिवेलपमेंट तो ये देखते हैं। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज इनटू द करिकुलम टू एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डिजिटल एज। अब फर्स्ट नंबर पर जो ट्रेंड बताएगी वो ये है कि आपने डिजिटल टूल्स जो है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उनको अपने करिकुलम में ऐड करना है और ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, जो सीखने के तजर्बात हैं, वो बढ़ सके, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपनी डिजिटल एज के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना जदीद जो दौर है वो डिजिटल एज है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स प्रेफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स थ्रू अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब आपने जो स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करना है, ठीक है, उनकी जो तरजीहात हैं मुख्तलिफ उनके मुताबिक, और जो निसाब है उसमें मुख्तलिफ तरीक़ा तदरीस भी शामिल होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की जो तरजीहात हैं, जो उनकी मुख्तलिफ ज़रूरत हैं, वो पूरी हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट, इम्फेसिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी कोलेबोरेशन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न वर्कफोर्स। फिर वही बात थोड़ी सी आ जाती है इसमें कि आपने ऐसी उन सारी जो स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है, और बोलने की जो महारत है, सारी उसमें ऐड कर देनी, क्योंकि जो मॉडर्न दौर है उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल, ताकि स्टूडेंट्स आज के इस दौर के अकॉर्डिंग तैयार हो सकें और इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकें। नेक्स्ट है, प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस इन अ डाइवर्स वर्ल्ड। अब इधर कहा गया कि आपने इसमें कल्चर के अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करना है अपने निसाब में, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो कामयाब हो सकें इस और डाइवर्स वर्ल्ड में। फोकसिंग ऑन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है एब्रिवेशन STEM, टू एड्रेस वर्कफोर्स नीड्स एंड फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और फाइव नंबर बताया कि आपने मीन्स की इन सारी टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, मैथमेटिक्स को, साइंस को, इन सब को मद्देनजर रखना है, ठीक है, ऐसी चीज़ें सारी फोकस अपनी उसमें करिकुलम में इस पर फोकस रखें, इनको ऐड करें, इनको मद्देनजर रखते हुए, ताकि जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, ठीक है। और आपने इनोवेशन को, इजादात को फ़रोग देना है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो तरक्की है, मज़ीद टेक्नोलॉजी में बढ़ती जो तरक्की हो रही है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए आपने ऐसा निसाब जो है ना वो तैयार करना है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग डिस्पेरिटीज इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, एथेंटिसिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर आइडेंटिटी टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। अब निसाब ऐसा हो कि उसमें जो इम्तियाजात हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को अब एक जैसे जो तालीम के मौके हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, मतलब ये जो मेयार होता है सोशल स्टैंडर्ड, इसके अकॉर्डिंग ना हो, ये सारा ख़त्म किया जाए, ठीक है, रेस, रंग, नस्ल, सारा कुछ, ठीक है। और इस बात को यकीनी बनाया जाए तमाम स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स उन तक रसाई हासिल है हाई क्वालिटी एजुकेशन तक, ठीक है, किसी को भी इम्तियाज हासिल नहीं है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट टू इन्हांस रिटेंशन। मीन्स के रियल वर्ल्ड की जो एक्सपीरियंसेज हैं वो इसमें ऐड कर लेने, ठीक है, हैंड्स ऑन, और ऐसे मौके भी आपने ऐड कर देने हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपना नॉलेज अप्लाई कर सकें ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट में, अब और उनकी जो रिटेंशन है, जो याददाश्त है, जो उसमें उसका उनकी नॉलेज पर जो ग्रिफ्ट है वो ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है, जब वो अप्लाई करेंगे नॉलेज को जाकर, जो नॉलेज आपके उसमें करिकुलम में होगा वो पढ़ेंगे जब स्टूडेंट, फिर जब वो उसको अप्लाई करेंगे तो जाहिर है उनकी याददाश्त, उनकी ग्रिफ्ट तो नॉलेज पर ज़्यादा होगी ना, ठीक है, तो आपने ऐसे जो एक्सपीरियंसेज हैं वो ऐड करने हैं, उनको प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, these issues and trends influence curriculum development efforts guiding educators in designing relevant engaging and effective learning experiences for students in diverse educational settings। तो ये सारे ट्रेंड्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये करिकुलम डिवेलपमेंट की एफर्ट को, ठीक है, और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और गाइड करते हैं एजुकेटर्स को रेलिवेंट डिज़ाइनिंग में, ठीक है, जो मुताबकत रखती है, जो मुताबकत रखते हैं डिज़ाइन, ठीक है, और उनको मशगूल करते हैं, ठीक है, और मौसर जो सीखने के तजर्बात हैं स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल सेटिंग्स में, उस पर भी इन सब ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन सब पर असर होता है, ठीक है, इन सब को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासर करते हैं। हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।